बच्चों तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड अ वेक्टर, आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इसका मतलब समझिए क्या कि मान लीजिए कि आपके पास एक ये वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं इस वेक्टर को इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है, समझ पा रहे हो? मतलब मान लो कि दिस इज योर ओरिजिन, मतलब मान लो कि जहां पर मेरा अंगूठा है दिस इज योर ओरिजिन, तो यहां से थंब से लेकर ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को मैंने बोल दिया लेट अस कंसीडर दिस योर ए वेक्टर, ठीक है। आपको दूसरा वेक्टर बताना है दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट, मतलब कि आपको दूसरा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट। देखो ये क्या बोलना चाहता है, देखो ये क्या बोलना चाहता है कि मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है आई माइनस का 2j, क्या समझ में आ गया? ठीक है, ओरिजिन से ये वेक्टर है कोई भी ए वेक्टर है। अभी क्या बोल रहा है कि आपको सेम इसी डायरेक्शन के अंदर कोई दूसरा वेक्टर बताना है, डायरेक्शन नहीं बोला इसने, यस इसने डायरेक्शन बोला है कि आपको इसी डायरेक्शन के अंदर कोई दूसरा वेक्टर बताना है, तो आप वो कैसे बोलेंगे? यहां पर आपको अलोंग भी बोल सकते हैं कि अलोंग वेक्टर बताना है, तो कैसे आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरे पास कोई जो दूसरा वेक्टर है वो दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लेंथ है मैं इतनी मान लेता हूं, हो सकता है कि वो छोटा भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसमें बोला है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इस डायरेक्शन के अंदर मुझे बताना है। देखो तो देखो यदि आपको बोला गया है इसी डायरेक्शन में बताना है तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का जो दूसरा वेक्टर है मान लो कि दिस जो रेड लाइन से मैंने दिखाया, मान लो कि ये जो वेक्टर है ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर ब्लैक वाला हो गया, रेड वाला जो है दिस इज बी वेक्टर, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि जो दोनों का यूनिट वेक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, बराबर होगा। ये बात तो आपको पता है क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका डायरेक्शन सेम हो, इसने तो बोल दिया सेम डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, तो मतलब क्या है कि दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। नहीं समझे क्या? समझ गए होगे, क्यों समझ गए होगे? यदि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर, चलो मैं यहीं पर लिख लेता हूं, तो यदि मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मॉडुलस। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर ये मैं काम क्यों कर रहा हूं समझ के चलना, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा क्या शॉर्टकट होगा। देखो यहां पर मैंने दोनों को बराबर रख लिया, अब देखो इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दोनों का ही 1 होना है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, दोनों का यूनिट वेक्टर को बराबर मान लिया, ठीक है। यदि आप डायरेक्शन सेम नहीं बोलता, मतलब कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर बताना है, इसलिए मैंने इसको बराबर रखा। इस लाइन को मैं 5-6 बार रिपीट कर चुका हूं, बस यही चीज समझाने के लिए कि मैं इसको इक्वल टू क्यों रख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको निकालना क्या है, रियल में आपको बी वेक्टर निकालना है बच्चों, सही बात है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस चीज को मैं लेकर आ जाऊं तो बी वेक्टर का मॉडुलस डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, करेक्ट या इनकरेक्ट? समझ में आ गया? जैसे कि मैं ना आप लोग को अक्सर समझाता रहता हूं कि जब भी दो वेक्टर यदि इस तरीके से हैं तो रियल में उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यदि कोई भी कोलिनियर वेक्टर है या फिर पैरेलल वेक्टर है उसी कंडीशन में ये कंडीशन होती है, मतलब जब वो कंडीशन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। जरूरत नहीं कि ये हो, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये तो बस जनरल कंडीशन है कि जब दो पॉइंट हो तो उस टाइम में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जब कोलिनियर पॉइंट्स हो उस टाइम हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वो तो बस लिखने की कंडीशन है, ठीक है। यदि तीन है तो तीन कंडीशन में भी लिख सकते हैं हम लोग कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिखाता है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो यहां पर लैम्डा 2 ऑफ ए 2 वेक्टर मान लो, या फिर मान लो मानना चाहो तो इसको बी वेक्टर मान लो, ठीक है। यदि तीसरा वेक्टर मानना चाहोगे तो तीसरा वेक्टर सी वेक्टर मान लो इसको, ये तो मैं आपको बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास कंडीशंस होती हैं, चार होगा तो चार मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर हम इसको लैम्डा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए सारी चीज मैंने आपको बताई, क्यों? क्योंकि इसने आपको पहले ही बोला हुआ कि इस वाले फैक्टर का जो वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड जो वेक्टर है दैट हैज अ मैग्नीट्यूड, आपको जो वेक्टर बताना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट है, मतलब कि आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। इसका मैग्नीट्यूड आप लोग ए वेक्टर से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ए वेक्टर गिवन है, कहां गिवन है, ये गिवन है,
तो यहां पर देखो बच्चों, ए वेक्टर आपको जो गिवन है वो कितना है, आई कैप माइनस का 2j कैप। तो यहां से यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका कॉफिशियंट का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, मतलब दिस विल बी इक्वल टू √5। ठीक है, आपको बी वेक्टर का मॉडुलस पहले ही गिवन है, कितना है 7 है। अब आप क्या कर दीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 अपॉन √5 × a वेक्टर। ए वेक्टर आपके पास कितना है, i माइनस का 2j कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब क्या हुआ, यहां से आपको समझ में आ गया कि बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन √5 × में दिस। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इसका क्या है, शॉर्टकट बताओ, सुनो शॉर्टकट इसका क्या है, करना यही है लेकिन मैं इसको बस डिटेलिंग नहीं करवाऊंगा, बस इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। देखो शॉर्ट में क्या करना, आपको जब भी आपको पैरेलल वेक्टर बोले तो सुनो क्या करोगे, जो वेक्टर आपको गिवन है ए बी सी डी कोई सा वेक्टर गिवन हो, उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। क्या बोला, इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में पूछा है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 भी हो सकता है -7 भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करना, बस हो गया। क्या बोला, जैसे आपको बी वेक्टर निकालना है तो क्या करो, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, कितना आया आपके पास, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आया, यूनिट वेक्टर कितना आया आपके पास, ये वाला कितना वैल्यू आया इसका, दिस अपॉन दिस, मतलब कि आपके पास यूनिट वेक्टर निकालोगे तो कितना फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बोला है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय जो दूसरा वाला फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका शॉर्टकट हो गया। इसका तुम फटाफट निकाल दोगे क्योंकि तुम्हें लैम्डा वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सीधा यूज करना बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ, इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया, आई माइनस का 2j/√y, दिस इज योर फाइनल। समझ में आ गया, तो देखो बात वही है लेकिन इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो तुम इसको किस तरीके से करोगे। अब भी यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट करके बताओ कि मुझे सर यहां पर दिक्कत आ रही है, नहीं तो लाइक करके बता दो कि समझ में आ गया। ठीक है, ओके।